महत्वपूर्ण विषय को बतलाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, द राजपूताना रिव्यू करण सिंह राजपूत के व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं फिर आपके सामने आया हूँ। खुले बंदी गृह का क्या उद्देश्य है? यह एक महत्वपूर्ण सोच माना जाता है और उन कैदियों को खुले में रखकर प्राकृतिक वातावरण देकर उनसे कार्य लिया जाता है और उन्हें कुछ श्रम दिया जाता है जिससे उन्हें अनुशासन और उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि आज के युग में कैदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जिससे उन्हें बंदी गृह से हटाकर खुले में टेंट लगाकर रखा जाता है और कार्य कराया जाता है और फिर उसे वापस लाया जाता है। इस तरह से आधुनिक युग में इसकी व्यवस्था हो रही है। विश्व में सर्वप्रथम खुले बंदी गृह की स्थापना स्विट्जरलैंड में सन 1891 ईस्वी में हुई, फिर अमेरिका में 1916 ईस्वी में और फिर इंग्लैंड में 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व में खुले बंदी गृह की स्थापना होने लगी। यह एक महत्वपूर्ण सोच है और कैदियों से उन्हें उत्तरदायित्व का ज्ञान दिलाया जाता है। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद।